नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेकर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम आपको एसएससी जीडी के 2021 के प्रीवियस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चार पाँच से छः सेट पेपर में हमने इन क्वेश्चनों को देखा है 2021 में जो पेपर आपका हुआ था। तो इसी को देखते हुए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बनाने वाले हैं, यानी कि इन क्वेश्चनों को दोबारा करवा रहे हैं, क्योंकि इन पेपर में आने के 100% चांस है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर इन सिंपल क्वेश्चन के आपको आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ये मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चन है तो पेपर में नहीं आएंगे। जी हाँ, एसएससी जीडी, क्योंकि जो आपकी 10 और 12 की मार्कशीट से पेपर डाला जाता है, तो इन टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सिंपल होते हैं 10 से 12 के क्लास पे पढ़ते हुए आपने फॉर्म डाला है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ही दिक्कत होती है, क्योंकि आपको सवाल देखने में कठिन लगता है लेकिन आप इनको कर नहीं पाते हैं। तो वीडियो को जरूर से देखें पूरा। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम आपको बताएंगे। एनालॉजी के दोनों क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है। तो पेपर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 100 के मध्य है आपका 21 से, तो 144 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। पूरी सीरीज आपको दिख रही होगी, तो हम आपको बता दें कि 100 का संबंध, यानी कि 100 कैसे बना। तो देखिए, कोई गुणा करके तो बनता नहीं है, तो गुणा इसमें भी नहीं होगा। अगर जो ट्रिक आपको इन दोनों में लगानी है, वही आपको इसी से लगाने की ट्रिक निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे हो जाता है आपका 10 का वर्ग कितना होगा 100। अब 10 के बाद कितना आता है 11, तो 11 का वर्ग होता है आपका 21। 11 के बाद कितना आता है 12, तो 12 का वर्ग होता है आपका 144 के बाद आना चाहिए 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग 169, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 169। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के टॉप क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिया है। अगर आप इस टाइप के सवाल करने के लिए आए हैं, तो आपको वर्ग और घनमूल कम से कम 50 तक तो याद होना ही चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवाल कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 64 का संबंध 4 से किस प्रकार है। वही प्रकार लगा के आपको 3 का संबंध 4 से निकालना है। यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन दिया था, यहाँ पे आपको बीच में ही दे दिया गया है, इसमें आपको निकालना है। तो देखिए, वही ट्रिक लगनी है, कोई ज्यादा अलग से नहीं लगनी है। 4 का कितना होता है क्या क्यों, 4 का क्यों कितना होता है आपका, 4 का क्यों होता है आपका 64। देखिए, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार लिखेंगे तो बनेगा क्यों, और क्यों होता है 64। इसी प्रकार से आप 9 गुणा 9 गुणा 9 लिखेंगे तो 3 का क्यों आपका कितना होगा, वो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो हम आपको बता दें कि वर्ग होता है 81 और क्यों होता है 729, यानी कि 729 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमने क्या बोला था आपको पहले एक लाइन, कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए वर्ग और घनमूल तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहे। तो दोस्तों दूसरा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं। एसएससी का टॉप 10 क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहे, हम आपको इसका खुद सॉल्यूशन खुद ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो सो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन आपने 2 क्वेश्चन किए उसी प्रकार से ये है, लेकिन इसमें हमने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज वाली बात नहीं है। 4 ऑप्शन दिए, अगर आपको एक भी इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से बता दें। तो देखिए क्या होता है कि 225 क्या कोई का वर्ग होता है, जी हाँ 25 होता है, 225 होता है आपका 15 का स्क्वायर 225। अब क्या 15 के बाद 16 का वर्ग 256 होता है, अगर आपको याद होगा तो आप बिल्कुल 2 सेकंड में इनको आंसर लगा देंगे। 16 के बाद आएगा 17 और 17 का वर्ग होता है आपका 289, 17 के बाद आना चाहिए आपका 18 का वर्ग। 18 का वर्ग क्या होता है ऑप्शन में से, क्या 196 होता है, क्या 119 होता है, क्या 289, तो नहीं, ये सब आपके गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। एक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।